हेलो गाइस, तो मैं हूँ आपका फ्रेंड निशान। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया कोरोना वायरस फोटो एडिटिंग। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो गाइस, मैंने आपको सारी PNGs की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आपने मेरा वॉलपेपर देखा होगा, ये फ़ोटो मैंने कल ही यूट्यूब पर इसकी एडिटिंग वीडियो अपलोड की है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वो भी देख सकते हैं और अपनी फ़ोटो बना सकते हैं उसे। तो पहले तो हम पिक्सआर्ट ओपन करेंगे। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद गाइस, हम एक वॉल बैकग्राउंड चूज़ करेंगे जो कि ये रहा। इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाने के बाद हम ऐड फोटो पर जाएंगे गाइस। ऐड फोटो पर जाने के बाद मेरे पास एक ड्रेस का PNG है, तो ये रहा। तो मैं इसे कुछ इस तरह यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर दूंगा। ये PNG डॉक्टर और पुलिस का जो यूनिफॉर्म है उसके रिलेटेड दोनों को अटैच किया है। ये आपको रेडीमेड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी लिंक वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसे सेट करने के बाद गाइज, मैं यहाँ से डन कर दूंगा। डन होने के बाद गाइस, मैं जाऊंगा ऐड फोटोज़ पर, जहाँ से मैं अपने फेस का एक PNG लूँगा मॉडल का, जो कि मैंने पहले से क्रॉप करके रखा है। आप इसे को अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिए। कुछ इस तरह से क्रॉप करना है, सिर्फ आपका फेस चाहिए गाइस। तो मैं जो बाहर का हिस्सा है अपने फेस का आया हुआ, तो उसे कुछ इस तरह से अच्छी तरह से इरेज कर दूंगा। गाइस, इस फोटो से हमें एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपको कि रिस्पेक्ट आवर डॉक्टर्स एंड पुलिस एंड हेल्प देम इन आवर लाइफ सिचुएशन बाय स्टेइंग होम। तो गाइज, यहाँ पर मेरी फ़ोटो तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो इसे कुछ इस तरह से अच्छी तरह से थोड़ा टाइम दे के सेट कीजिए गाइज, क्योंकि आपकी फ़ोटो फेक ना लगे। उसमें थोड़ा ओरिजिनल टाइप लुक आना चाहिए और दिखने में भी फ़ोटो बढ़िया मस्त लगनी चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी फेस का PNG तो अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ से डन कर दूंगा। डन होने के बाद गाइस, मैं जाऊँगा टूल्स पर। एडजस्ट पर जाऊँगा, ब्राइटनेस को बढ़ाऊँगा, सेचुरेशन को कम कर दूंगा कुछ इस तरह से। फिर जाऊंगा इरेजर टूल पर, जहाँ पर इन्वर्ट करके ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा शेप का, और कुछ इस तरह से अपने फेस को सिलेक्ट करूँगा। सिर्फ हाफ फेस राइट साइड का चूज़ करना है गाइस हमें पहले। और इसे इरेजर टूल से जो फेस के बाहर का बॉडी पर जो रिफ्लेक्शन आया है उसे कुछ इस तरह से इरेज कर दूँगा। आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा अलग तुरंत फोटो में डिफरेंट दिखना शुरू हो चुका है। फिर यहाँ से गाइस डन कर दूंगा। फिर गाइस, हम यहाँ पर डन करने के बाद फिर से टूल्स पर जाएंगे, एडजस्ट पर जाएंगे, और अब हम ब्राइटनेस को थोड़ा कम करेंगे और सेचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर जाएंगे गाइस इरेजर टूल पर, इन्वर्ट करेंगे और शेप वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अब हम लेफ़्ट साइड का पोर्शन सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। फिर से इरेजर सिलेक्ट करके फिर
फेस के बाहर का जो क्लोथ और बैकग्राउंड पर जो रिफ्लेक्शन है उसे इरेज कर देंगे। कुछ इस तरह से, और फिर डन कर देंगे। फिर से यहाँ से डन कर देंगे। तो अब हम फिर से टूल्स पर जाएंगे, एडजस्ट पर। अब हम ब्राइटनेस को पूरी -69 तक कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे। इरेजर टूल पर जाके इन्वर्ट करेंगे और ब्रश से अपनी नेक के ऊपर और इसके ब्रश करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि जो फेस को हमने PNG में बिठाया है वो नहीं दिखना चाहिए, कि हमारा ओरिजिनल पीके ऐसा दिखना चाहिए। फिर गाइस डन होने के बाद मैं जाऊंगा एड फोटो पर, जहाँ पर मैं एक कैप और रिंग लाइट का PNG चूज़ करूँगा, जो कि ये रहे। तो इसे तो मैं थोड़ा साइड में रखूँगा। फिर कैप को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर दूँगा अच्छी तरह से। सेट होने के बाद गाइस हम जाएंगे इरेजर टूल पर, शेप ऑल ऑप्शन चूज़ करेंगे और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करके सेट करेंगे। सिर्फ हाफ कैप यूज़ करनी है गाइस, जितनी कि हमारी पुलिस यूनिफॉर्म है सिर्फ उतनी। फिर रिंग लाइट को चूज़ करके ब्लेंड पर जाके स्क्रीन करेंगे और इसे कुछ इस तरह से सेट करके कैप के ऊपरी हिस्से पर इस तरह लगा देंगे और डन कर देंगे। और गाइस यहाँ पर हमारा पिक्सआर्ट में का काम तो पूरा हो चुका है, हमारी फ़ोटो यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रही है। तो अब मैं ड्रॉ टूल पर जाऊँगा और इसे सेव कर दूँगा। ड्रॉ टूल पर जाके सेव करने से गाइस हमारी जो फ़ोटो की पिक्सल है ना वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि बहुत जनों की कमेंट आई थी मुझे कि हमारी फ़ोटो पिक्सआर्ट में सेव करने के बाद ब्लर होती है। तो इस तरह ड्रॉ टूल पर जाके सेव करेंगे तो ऐसा नहीं होंगे। तो अब मैं लाइट रूम में जाऊंगा, जहाँ पर अपनी फ़ोटो को ग्लो शाइनी बनाऊंगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो ऐड करूंगा लाइट रूम में। तो ये रही हमारी फ़ोटो, जो कि अब लाइट रूम में ओपन हो चुकी है। अब मैं सिंपली जाऊंगा लाइट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊँगा कुछ इस तरह, हाईलाइट्स को भी बढ़ाऊंगा कम कर दूंगा, और शेडो को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, वाइट को भी थोड़ा कम कर दूंगा और ब्लैक को थोड़ा बढ़ा दूंगा। फिर जाएंगे गाइस आगे वाले टूल पर, मिक्स पर, जहाँ पर रेड का सेचुरेशन कम करेंगे, ऑरेंज का सेचुरेशन कम कर देंगे और ल्यूमिनस को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, कम कर देंगे इसे, थोड़ा अलग रिफ्लेक्शन आया था। फिर येलो पर जाएंगे, सेचुरेशन को बढ़ाएंगे। फिर ल्यूमिनस को नॉर्मल बढ़ा के ग्रीन पर जाएंगे, उसका ग्रीन का सेचुरेशन बढ़ाएंगे। ब्लू पर जाएंगे, जो कि लाइट ब्लू, उसका भी सेचुरेशन बढ़ाएंगे। ब्लू पर जाएंगे, सेचुरेशन सारे कलर्स का थोड़ा नॉर्मल सेचुरेशन बढ़ा देंगे और डन कर देंगे। फिर गाइस हम जाएंगे आगे वाले टूल पर, जहाँ पर हम टेक्सचर को नॉर्मल बढ़ाएंगे, क्लियरिटी को बढ़ाएंगे थोड़ा, और डेहेज को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर गाइस हम जाएंगे आगे वाले टूल पर, जहाँ पर अपनी फ़ोटो की शार्पनेस बढ़ाएंगे, नॉइज़ रिडक्शन जो रेडी हो चुका है उसे बढ़ाएंगे, और सारे टूल्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा देंगे, जैसे कि डिटेल्स, कॉन्ट्रास्ट, क्लोज नॉइस रिडक्शन, डिटेल इसे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो काफ़ी बढ़िया बन चुकी है यहाँ पर। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब, शेयर एंड